Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turabhadra. Today we are discussing about Microsoft Excel. Microsoft Excel basically used जो होता है वो data entry या spreadsheet या worksheet बनाने के लिए use होता है. अब sheets किसी भी तरह की हो सकती है जिसको हम prepare कर सकते हैं Excel में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं Microsoft Excel. सबसे पहले बात करते हैं introduction of Microsoft Excel की. अगर आप हमारी साइट पे भी जाएंगे www.attitudetellyacademy.com तो यहाँ पे हमने एक ओवरव्यू डाला हुआ है कोर्स का. यहाँ आप एडवांस एमएस एक्सेल पे जाएंगे, ये सारे कोर्स हैं हमारे पास एमएस एक्सेल के. एडवांस एमएस एक्सेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कोर्स व्यू दिखेगा. यहाँ पे बेसिकली छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है हमने, स्प्रेडशीट की नॉलेज, वर्कशीट बनाना, सैलरी शीट, बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर करना, जो कि हर सेक्टर में यूज होता है. बीपीओ में आप ले लीजिए, रियल इस्टेट में, जिस भी सेक्टर पे आप जाएंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेल से रिलेटेड प्रोग्राम यूज ही होगा. और नॉर्मली बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है, 30 से 35 घंटे का प्रोग्राम है, ठीक है? इसमें हम सारी चीज़ें कवर कराएंगे आपको कि एक्चुअल में एक्सेल है क्या, किस लिए यूज होता है, फंक्शनल में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, टैक्स फंक्शंस क्या हैं, डेट फंक्शंस क्या हैं, फाइनेंशियल फंक्शन क्या हैं, लॉजिकल फंक्शंस क्या हैं, Outlookup, VLookup, इंडेक्स वगैरह अगर आपको बोला जाए कि करना है आपको और कुछ डाटा कैलकुलेट करना है, एक्सेल और Outlookup सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कहीं पे भी अगर आप जाएंगे, ठीक है? तो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, मैक्रो है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, एडिटिंग है, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करना है. तो ये सब आप आज सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर. धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप क्लासेज हैं, स्टेप बाई स्टेप चलेंगे, ठीक है? 30 से 35 घंटे का हमारा प्रोग्राम है. तो ओपन करने के लिए आप विंडो की और आर प्रेस करेंगे एक्सेल को. एक ओवरव्यू ले लेते हैं आज एक्सेल का कि एक्चुअल में एक्सेल में है क्या, ठीक है? इस तरह से ओपन हो जाएगा. या तो आप विंडो की और आर प्रेस करके रन कमांड से ओपन कर सकते हैं एक्सेल को. अदरवाइज अगर यहाँ से नहीं खोलना है तो स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको दिख जाएगा. या फिर ऑल प्रोग्राम पे आप जाइए, ऑल प्रोग्राम में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नजर आएगा. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको मिल जाएगा, ठीक है? इस तरह की स्प्रेडशीट आएगी. ये जो स्पीच में आ रहा है इसको हम शीट्स बोलते हैं, ठीक है? ऊपर सबसे ऊपर जो लिखा रहा है बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसको टाइटल बार बोलते हैं हम. ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे सेव, अंडू, रिड्यू की शॉर्टकट की है. आप चाहें तो और भी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं. ये हमारा ऑफिस बटन है, यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, स्टैंड, पब्लिशर, क्लोज का ऑप्शन होते हैं, ठीक है? ये हमारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज विंडो है, ठीक है? स्प्रेडशीट है और ऊपर प्रोग्राम क्लोज कर सकते हैं हम. यहाँ पे शीट वन, शीट टू, शीट थ्री आपको दिखाई देंगे. आप अगर और इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं. उसके बाद ये जो होम इंसर्ट पेज लेआउट लिखा नजर आ रहा है आपको, ये मेन्यू बार कहलाता है हमारा, ठीक है? और ये जो आपको नजर आ रहे हैं सारे टूल्स, इनको हम बोलते हैं रिबन. ये हमारा नेम बॉक्स है, ये हमारा फॉर्मूला बार है, ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे रोज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये रोज हैं. एक पर्टिकुलर को हम सेल बोलते हैं, ठीक है? ये हमारा एक्सप्लोरर है, इसको अप डाउन करने के लिए भी होता है और राइट लेफ्ट ले जाने के लिए भी होता है. ये हमारा जूम इन जूम आउट है, ठीक है? इसको आप जूम इन जूम आउट की तरह यूज कर सकते हैं. ये हमारा सबसे नीचे जो आ रहा है इसको टास्क बार बोलते हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं छोटा सा ओवरव्यू. सबसे पहले शीट को कैसे सेव करना है, कैसे ओपन करना है वो देख लेते हैं. लाइक मैंने ये कोई भी एक शीट बना ली है, डाटा शीट बना लेता हूँ, आइटम्स और इनके रेट मैंने यहाँ पे डाले हैं, ठीक है? रेडियो, उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिए हैं रेट, ठीक है? इसको मैंने यहाँ से गया न्यू, नया पेज लेने के लिए यूज होता है मेरा, क्लिक कीजिए. बैंक वाइज ब्लैंक पेज ले लिया तो ब्लैंक आएगा. अगर यहाँ पे आप न्यूज पे जाने के बाद इनमें से कोई भी फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो आप इनमें से ले सकते हैं, मगर इनके लिए आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है? जैसे इवेंट कोई लॉन्च करना है तो इवेंट पर क्लिक कीजिए, ठीक है? यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? उसी तरह से प्रिंट आउट यहाँ पे पेज हमारा आ जाएगा, ठीक है? एनालाइज है जैसे, या कैलेंडर है तो कैलेंडर यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है? ये सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे, इनका यूटिलाइज कर सकते हैं आप.
उसके बाद आते हैं ओपन्स पे। कोई भी पहली फाइल्स आपने बना के सेव की हुई है उसको आप ओपन्स पे जाके ओपन कर सकते हैं। ये जैसे मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, ASD के नाम से है, बुक वन है, VB है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आप क्लिक कीजिए, देन ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल्स मेरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे VB XLS लिखा हुआ आ जाएगा। अगर डाटा होगा उसमें फाइल्स में तो डाटा भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे लुकअप डाटा मैंने यूज़ कर लिया है तो यहाँ पे ये लुकअप वाली फाइल मेरी ओपन हो गई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेव पे। सेव क्या फंक्शन है, सेव में आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, अपना प्रिपेयर किया है, जैसे मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था यहाँ पे, ये इसको अपने नाम से या किसी भी नाम से, एक्सेल शीट्स के नाम से आपको सेव करना है तो आप यहाँ सेव पे जाएंगे, एक पॉपअप विंडो ओपन होगी सेव एज की। यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपको सेव कहाँ पे करना है। ये सारी ड्राइव्स हैं आपकी, ठीक है, जिनमें आप सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, डाउनलोड में जाके सेव कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर एक ड्राइव में जाके सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा फाइल नेम क्या रखना है आपको। अगर आप नया फोल्डर बनाना चाहते हैं यहाँ पे तो नया फोल्डर बना सकते हैं न्यू पे क्लिक करके। न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया फोल्डर आ जाएगा, इसका आप अपना नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने नाम दिया है एक्सेल डाटा के नाम से सेव कर रहा हूँ, ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। पहले से एक फोल्डर अवेलेबल है एक्सेल डाटा के नाम से, ठीक है, मैंने उसको चेंज कर दिया एक्सेल डाटा में, ठीक है। उसके बाद ये बुक वन की जगह मैंने अपना नाम दिया। अब यहाँ पे सेव एज टाइप पूछेगा आपको किस टाइप में सेव करना है। नॉर्मली जो एक्सेल की फाइल होती है XLS फाइल्स में होती है। अगर आपको अनेबल मैक्रो में सेव करनी है तो XLSM फॉर्मेट होता है, उसमें आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस वर्जन में भी सपोर्ट कराना है तो 97 से 2003 ले सकते हैं आप यहाँ पे, तो ये सारे वर्जन में सपोर्ट करेगा आपका। उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये मेरी फाइल सेव हो जाएगी सेम उसी फॉर्मेट में, ठीक है। सेव एज का आप यूज़ कर सकते हैं, सेव एज पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप इसे फाइल फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको करना है इसमें आप कर सकते हैं चेंजेस। उसके बाद आता है प्रिंट। प्रिंट प्रिंट निकालने के लिए, प्रीव्यू चेक करने के लिए, प्रिंट प्रीव्यू चेक किया, यहाँ पे इस तरह का प्रीव्यू आ रहा है, आप जाके प्रिंट निकाल सकते हैं यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके या कंट्रोल पी करके। पेज सेटअप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं प्रिपेयर में। यहाँ से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं शीट्स को, प्रोटेक्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। पासवर्ड डालिए, रिपीट पासवर्ड कीजिए, देन ओके, आप इसे सेव कर दीजिए। अब जब भी आप इसे ओपन करेंगे, ठीक है, जब भी आप इसे दोबारा से ओपन करेंगे क्लोज करके, यहाँ से मैं इसे बंद कर देता हूँ, अब दोबारा से ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये आपसे पहले पासवर्ड मांगेगा, इस तरह की विंडो आएगी और पासवर्ड मांगेगी, पासवर्ड डालेंगे तो ही शीट मेरी ओपन होगी। उसके बाद प्रिपेयर में ही हमारा ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर है, आप इसमें डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, किसके नाम के डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने हैं वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसका नाम देंगे आप डिजिटल सिग्नेचर जिसके हैं, मैंने कहा राम कुमार, ठीक है। साइन इन करेंगे तो यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा, इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं आप, को यहाँ पे क्लिक करके इसकी डिटेल चेक हो जाएंगी, व्यू कर सकते हैं इसको, ठीक है, किस तरह का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन रिमूव सिग्नेचर, परमानेंटली डिलीट, यस, डू नॉट शो दिस मैसेज, देन ओके, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ऑथराइज सिग्नेचर आप ले सकते हैं। सेंड ईमेल वगैरह किसी को भेजना हो तो यहीं से आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेव करके भी इसको मेल कर सकते हैं। उसके बाद आता है पब्लिशर। पब्लिश करना हो डॉक्यूमेंट को तो आप यहाँ से पब्लिश करेंगे, नॉर्मली इसका यूज़ करते नहीं है डाटा एंट्री में, ठीक है। देन क्लोज, प्रोग्राम को क्लोज करना हो तो, ठीक है, यहाँ से मैंने सारी शीट्स बंद कर दी है, ये मैंने नो कर दिया, शीट्स मेरी बंद हो गई, अभी विंडो ओपन है मगर शीट सारी बनी मेरे पास, मेरी अभी एक्टिव है, ठीक है। यहाँ से मैं न्यू शीट्स वापस ले सकता हूँ, ठीक है, टेम्पलेट यूज़ कर सकता हूँ, आप सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे मैंने कहा अभी कैलेंडर यूज़ करना है या फिर इवेंट कार्ड बनाना है, इवेंट डाला, देन सर्च किया, यहाँ से इस तरह की टेम्पलेट आ जाएगी, कनेक्ट होना चाहिए इंटरनेट से तो वो यहाँ पे फाइल आ जाएगी, ठीक है। बुक्स का फॉर्मेट है और बिजनेस कार्ड्स वगैरह हैं, कैलेंडर्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं यहाँ पे। तो
आप यहाँ पे इनका यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लोज करेंगे, नया शीट ले लेता हूँ वापस, ठीक है। उसके बाद इसी में फंक्शंस आते हैं यहाँ पे, एक्सेल ऑप्शंस जाके एक ऑप्शन है हमारा, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे लिस्ट वगैरह बनानी है आपको, कस्टम लिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। मैंने एक लिस्ट बनानी है नेम्स की, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है, ये मैं अपनी लिस्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ जिसके भी नाम ऐड करने हैं आपको, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, राम, सीता, मोहन, राहुल, राजू, गोपाल, जो भी आपको लेना है, देन आप यहाँ से ऐड कर देंगे, तो उसी के नाम यहाँ पे ऐड आ जाएंगे। अब इनका क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। अभी इसके बेनिफिट्स बात कर लेते हैं पहले। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम, अब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये सारे नाम्स मेरे यहाँ पे भी आ जाएंगे इस तरह से। या संडे मंडे की लिस्ट पहले से बनी होती है, एसयूएन सन लिखिए, देन ड्रैग कीजिए, यहाँ पे आ जाएगी। जनवरी फरवरी की लिस्ट पहले से होती है तो जनवरी फरवरी आप ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखिए, ड्रैग कीजिए, सारी लिस्ट आ जाएगी। और इसके बाद आप विंडो का कलर चेंज कर सकते हैं, यहीं से ब्लू आ रही है, सिल्वर ले सकते हैं तो सारा डिज़ाइन सिल्वर में हो जाएगा। ये आप ब्लैक में ले सकते हैं, ठीक है, सिल्वर की जगह ब्लैक यूज कर सकते हैं तो ये सारा डिज़ाइन ब्लैक में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और बाई डिफॉल्ट सेट कर रखना चाहते हैं तो वापस जाके ब्लू कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरी एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम सीखेंगे कि कैसे एक्सेल पे वर्क करते हैं, कैसे फंक्शंस को यूज करते हैं, सारे फॉर्मूलाज कैसे यूज करते हैं, ठीक है, होम मेन्यू से कैसे यूज करेंगे, इंसर्ट मेन्यू कैसे यूज करेंगे, पेज लेआउट कैसे यूज होगा, कहाँ पे यूटिलाइज होगा, डाटा शीट कहाँ पे हमें पर्टेंट शीट बनानी है, कहाँ पे एच लुकअप यूज करना है, कहाँ पे वी लुकअप का यूज करना है, वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें सीखेंगे हम एक्सेल में। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। बने रहिए एटीट्यूड एकेडमी के साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।